सो कल रात को लेट सोए थे, अब नेक्स्ट डे हो गया, ब्रेकफास्ट टाइम है। मैं जा रहा हूँ चेक करने, बाकी सब सोए होंगे अभी तक। वेरोनिका ने मुझे बोला है चेक करके बता दो क्या है ब्रेकफास्ट में, तो देख रहा हूँ मैं पहले जाके क्या है ब्रेकफास्ट में, एंड देन मैडम को फ़ोन करूँगा। सो मैं पहुँच गया हूँ ब्रेकफास्ट करने, यहाँ है ब्रेकफास्ट सारा। लुक एट दिस, फाइनली पहुँच ही गई हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। हाँ जी बैठो, डोसा मंगवा के रखा हुआ है। बंद ही कर रहे हैं, ये लेट हो गए ना, सब कुछ है हमारे सामने। जब तक मैं बैठा था टेबल पे पूरा टेबल खाली था, और अब आफ्टर 5 मिनट्स हमारे टेबल का क्या हाल है। लुक एट दिस, सारा खाना भावना का है। किसका है? भावना का। क्योंकि वो आई नहीं है, आई नहीं उसने है का ये सवाल रखना मेरे लिए। तो हमने सारा ब्रेकफास्ट रख लिया टेबल पे, पहले ब्रेकफास्ट खत्म होने वाला है। तो फाइनली आफ्टर 3 आवर्स हम पहुंच गए हैं नारकंडा। तो हमको लगा यहाँ बर्फ़ होगी, अच्छा होगा, है बट ठंड भी है, शिमला से ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे। बट वैसी स्नो नहीं है जैसी स्नो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट स्टिल इट्स ओके। या अभी आपको दिखाते हैं, देखो ये है जो भी स्नो है थोड़ी बहुत, ये रही स्नो। वंस अगेन वी आर बैक इन द कार इन सर्च ऑफ स्नो, ढूंढो बर्फ, ढूंढो बर्फ। हाँ बर्फ ढूंढने के चक्कर में हम कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो हम अब ऊपर जा रहे हैं, एंड इसमें जा रहे हैं हम ऊपर। तो ये देखो जी हमारी सवारी तैयार हो गई है, हम लोड हो चुके हैं। हाँ ऊपर जाने के लिए तैयार है, मतलब ऊपर वाला ऊपर नहीं भाई, ऊपर जहाँ स्नो है। अब पता नहीं कितनी है कितनी नहीं, बट हमने कर ली है गाड़ी। तो अब ऊपर जाते हैं, दिखाते हैं क्या होता है ऊपर। हाय मेरे को बहुत ठंड लग रही है। क्या बम्पी राइड है। यार ये हिम्मत है लोगों की इतनी ठंड में ऐसा फोटो शूट। आपको ठंड नहीं लग रही? शूट अच्छा ना चाहिए, जल्दी बना दो भैया, इतनी ठंड हो रही है। वेडिंग शूट। अमन भैया, अच्छा तो पहाड़ों में आए और मैगी ना खाएं भाई, ये बात इतनी ठंड हो रही है। मैगी यार इसको दो। अमन भैया के हाथ की 1 2 3 से आए हो, क्या हो गया आपको? बहुत ठंड लग रही है, बहुत भूख लग रही है मुझे। बट कोई बात नहीं, चलो मैगी खाते हैं, चाय चाय पीते हैं, और बर्फ के साथ मैगी खाने का मजा है ना। मैगी आ गई है फाइनली, अब इतनी ठंड में बैठ के मैगी खा रहे हैं अब हम। वाह वाह गर्मा गर्म मैगी, मजा ही अलग है। तो वेटिंग फॉर द चाय। वी आर बैक फ्रॉम नारकंडा एंड अच्छा रहा दिन काफी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड। अब डिनर का देख रहे हैं हम, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बुफे लेते हैं यहाँ पे। हाँ बिकॉज अभी बाहर जाने की हम लोगों की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, वी आर वेरी हेल टायर्ड। 9 बज गए हैं ऑलरेडी, सोचा भी यही कर लेते हैं, व्हाई टू गो समवेयर एल्स, बिकॉज देयर बुफे इज रियली गुड। ब्रेकफास्ट भी हमने खा रहा था एंड इट वॉज गुड। सो टुडे इज़ आर लास्ट डे हेयर एंड हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। अभी तो बहुत नींद आ रही है मेरे को और ज़्यादा, मतलब ब्रेकफास्ट करते ही हम निकल रहे हैं घर के लिए। हाँ ये मैडम यार मेरे को छोड़ती नहीं है, यहाँ पर भी कहती है फोटो शूट कर दो मेरा, ये मेरी ड्रेसेस ना रह जाए ना कोई भी। हाँ सब फोटो तो होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट करके हम आ गए थे, अब बस रेडी वेडी हो गए हैं एंड वी आर जस्ट चेकिंग आउट एंड वी आर गोइंग बैक। अभी हम आपको एक चीज और दिखाएंगे, पूल एरिया। यस 2 मिनट रुको, अभी दिखाते हैं।
जाते जाते हमने कहा यार पूल नहीं देखा हमने अभी तक, पूल देख लें। व्हिच इज द पूल मैन, सो दिस इज द पूल विद अ व्यू, बढ़िया है यार पूल, हमें आना चाहिए था यहाँ पे बट हम आए नहीं, नो वरीज, एटलीस्ट हमने आके देख तो लिया। फाइनली हम निकल गए हैं, रास्ते में हैं, लोगों ने मुझे सबसे पीछे बिठाया है। आते हुए हम बैठे, हाँ भावना ने सीट नहीं हिलाया किसी ने, अंकुर तू पीछे ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। तो भी तेरी जैकेट देख, पूरा रास्ता तेरे साथ थी वैसे। ये मेरा भाई है, ये तो ये देखो भाई भाई कंपनी मिल गई अंकुर को। हमारे पास एक बंदा शॉर्ट था जाने के लिए, जगह पूरी थी गाड़ी में, बंदा नहीं था, बंदा नहीं था, तो अंकुर की जैकेट उसका बंदा है। तो ये छोटा सा ब्रेक लिया है हमने कुछ खाने पीने के लिए। ये तो सबसे पहले आइसक्रीम पार्लर में घुसती है जहाँ आइसक्रीम। क्या खा रहे हो? बिना मीठा खाए कहीं भी रुको, मीठा चाहिए भाई यार, तो स्वाद है ये। स्वाद तो सभी चीजें होती हैं, है ना, और स्पेशली मीठा। तो फिर ये कैसे रुके? ट्रिप पे तो बनता है ना, हर जगह ही बनता है आपका तो। आ जाओ एक बाइट आप भी खा लो। हमें 4 घंटे हो गए चले हुए एंड बीच में रुके थे, मैडम ने आइसक्रीम खाई थी एंड अब हम आए हैं टू हैव सम फूड एट हवेली अंबाला। आर यू हैप्पी? पेट पूजा फिर काम दूजा। लुक एट दिस, हाउ टेम्पटिंग इज दिस फूड। वाओ, लस्सी भी दी है भाई, ये लच्छा पराठा कुलचा। हाँ, आपने क्या मंगवाया? अमृतसरी कुलचा। एंड मैंने मंगवाया है पनीर बटर मसाला स्पाइसी करके थोड़ा सा। चलो अब खाएं। यस। क्या कह रहे हैं अंकल? तेरी बात है ना रिकॉर्ड करने वाली बनती है यार। बता ना। हलवा था, कौन सा हलवा था, क्या था वो? नहीं, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग क्या थी? प्लम पुडिंग में इतनी वाह यार, वो गारंटी ना खत्म हो गया। जितना पड़ा था क्वार्टर भी खत्म नहीं हुआ था। जो क्वार्टर खत्म हुआ था वो लोगों के प्लेट में पड़ा हुआ था और वो दोहरा होगा। जो दोहरा होगा सच में यार, बड़ी बेकार थी स्वीट डिश तो यार, बिल्कुल मतलब स्वीट डिश सारी बेकार। सारी ब्लूबेरी चीज केक रखते हैं, गुलाब जामुन रख ले, हलवा रख ले, बंदा वो भी खा लेता है। अंकुर ने तो मंगवा के खाए थे गुलाब जामुन, वो रिक्वेस्ट पे उसको फॉर्म आ गई थी कि दुनिया ने नहीं खाया तो कैसे खाएगा। आइसक्रीम पे रखी मैंगो पता नहीं तीसरा व्लॉग या चौथा व्लॉग होगा, आपको पता लग गया होगा हमारे साथ मैनर में क्या हुआ है। अंकुर अंकुर सबसे ज्यादा खुश था मैनर से। जब ना मैं बताता हूँ, अगर मैं बताता हूँ तैयू, जब ना मेरे को लेके गए वो पहले रूम दिखाने, तो वहाँ जब वो रूम दिखा रहे थे ना, सीधा उन्होंने बालकनी का डोर ओपन किया और कहा सर कैसा व्यू लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पीछे से आ गया अंकुर, अब अंकुर बताएगा। शी थिंक कि ना व्यू कैसा लगा सर आपको? सामने तक कंस्ट्रक्शन का व्यू, व्यू तो बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन हमारे सामने हो रही है तुम्हारी, रात तक अभी बता देंगे कितनी बोरी लगी है। यार काउंट, हमने तो बालकनी में ही बैठा था ना, हम वही बैठेंगे, हम बता देंगे क्या क्या काम हो रहा तुम्हारा। तुम क्यों देख रहे हो? ठीक से कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा यार उनका तो। वो तो पैथेटिक था यार। रूम कितने लग्जरी रूम थे, बहुत अच्छे, मतलब हमारे घर में ज्यादा फैसिलिटीज है। कहता है हमारे तो घर से हम तो ज्यादा लग्जरी है। यार सच में यार, चल कोई नहीं, मगर हमारा एट द एंड काला डिनर अभी तो पहाड़ पे। वो कुछ लेकर नहीं आया, उनकी गलती नहीं है वैसे। हाँ। वो इतना ऊंचा बन चुका है कि उनको सामान ही नहीं पहुंचा था उनके पास सब कुछ। हमारे सतीश भैया एक बार को तो घबरा गए होंगे, बंदा खुद ही शर्मा गया था, कह रहा मेरे पास वैन है भैया, उसमें तुम सब बैठ जाओगे तो ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा। है ना, वो सिंगल पर्सन आ रहा था, एक बंदा आ रहा था वैन में चढ़ के। और वो दरवाजे में जो सिक्योरिटी थी, हम गए तो वो भी चली गई साथ साथ हमारे। यार हमारे बाद भाई तो आया था फिर
वो सीधा ऊपर ही आता वो तो लेके अपार्टमेंट रह भी रहा होता दो तीन दिन खाली गाड़ी भी जगह खाली नहीं थी सिक्योरिटी वाला भी हमारे साथ बैठता कि भाई तो मेरे को ऊपर छोड़ देगा पहले तो बचा ही सकता 31 हो गई है मेरा न्यू रास्ते में निकल जाएगा ये देखो भाई साहब क्या हो गया ये ट्रैक्टर था इसमें ये जो भर लेते हैं ओके तो पूरी आग लग गई है अबे अंदर तक आ रही है यार गाड़ी के अंदर तक गरम गरम लग रही है तू पिघल कैसे गया गरम गरम नहीं कर रहा एक रूम हीटर जो नवंबर चल रहा सेंट लाइट ये अलग से हीटर ऑन करने लगी है अरे यार दो तीन घंटे सही लग रहा था फिर उसके बाद के बाद तो पता नहीं क्या ही हुआ मैं पानी पानी हो गया जब सुबह तू उठा क्या हुआ मेरा मैप भरा हुआ था बेडशीट में इतना पिघल गया बेडशीट मेरे मैंने हीटर बंद करा बेडशीट ठंडी हो गई फिर फिर बैटरी में बर्फ जम गई होगी थोड़ी सी श्री तेरी ट्रिप बहुत बढ़िया वहाँ क्यों जा रहा है पानी रखा है मैंने इनके लिए पूरे रास्ते बाहर फाइनली वी हैव रीच्ड एंड हमारी ट्रिप का एंड हो चुका है वेरी सैडली बट कोई बात नहीं नई ट्रिप जल्दी बनाएंगे माया लग रहा है वहाँ बर्फ पड़ने वाली है सो वी होप दैट यू लाइक द व्लॉग सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू like share and subscribe also please don't forget to press that bell icon bye guys